हाँ चलेंगे क्यों नहीं भैया। चलो पंचायत के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे रघुवीर सिंह। हाँ भैया। वैसे तो तुम बड़े बहादुर हो, लेकिन हमारे पास एक खबर आई है अभी बंगले पर। क्या खबर आई है? कि जो रामदास महाराज जी हैं, यानी कि रामदास महाराज जी का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ क्यों नहीं। शिवाजी महाराज के जो गुरु हैं रामदास, रामदास बाबा, उन्होंने एक चिट्ठी रौताई पे भेजी है। अच्छा। अकबाई कल ठीक 10 बजे गंगा जमुना जी के घाट पर पंचायत होगी। दिल्ली से और आगरे तक के सभी पंच बुलवाए। अच्छा तू चलेगा? क्यों नहीं, सभी चलेंगे, हम ही क्या है। अपने बालक बच्चे ने तो पूछ ले। हाँ पूछ लिए। ऐसा ये तेरा बीच में छोड़ दिया तू मामले। अरे आप चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे, तुम भी छोड़ जाओ बीच में। अच्छा तो लड़ाई भी लड़ लेगा? अरे लड़ाई क्यों नहीं, लड़ते लड़ते तो हमें 75 साल हो गए। कितने? 75 साल। 75 कितने को कहते हैं? पढ़ो ना, अनपढ़ है। अरे अरे 75 क्या होता है भैया? 70 और 1। वो तो 71 होता है। वो ऐसा कभी कभी मेरी जीभ खांड खा जाए बुढ़ापे में। जीभ खांड नहीं, आंट खा जाती है। आंट खा जाए। हाँ ऐसे बोले कर ढंग से, समझा देकर। तो चलो चलो, और तमाम सरदारों से कहो चलो भाई। ए लक्की सिंह, रुद्र सिंह, श्याम सिंह, करण सिंह, राम सिंह, अरे सभी आ जाओ, और आ जाओ पल्लम फरसाने ले लेके आ जाओ, और चलो पंचायत में चले पहले। होगा वहां भी कचरा कच। अच्छा बिल्कुल। आज तेरी घोड़ी है, घोड़ा तो कहा है, वो कहा है? वो ऐसा जच्चा परी है अभी। जच्चा परी है? हाँ 2 दिन की कसर है। अपनी घोड़ी ले, घोड़ी बैठ के चल। हाँ आगे लांगो। चल चल तो चल, आ जा चल भाई। रघुवीर सिंह यही भैया जमुना का किनारा है। हाँ बिल्कुल, देखो जमुना मैया की, यहीं पे पंचायत जुड़नी है। तो हुक्का हुक्का तो ना पीना? कैसे कैसे कछुआ बैठे हैं भैया। ये तुझे इसे जो औरत आई है पंचायत में, ये कछुआ दिखाई दे रही है तुझे? नहीं ये कचूली है। कहाँ है? कचूली। अच्छा तेरी जीभ खांड खा जाए कभी कभी। कछुआ के मौत निकल रही है। कहाँ है रोए? मोच निकल रही है। यूं कह, नोच ना, मोच निकल रही है। ठीक बात है। चलिए बाबा रामदास से मिलते हैं, वीर गोखला जाट से मिलते हैं, और बड़े बड़े सरदार मिलेंगे। आज तुझे बड़े बड़े लोगों से मिलवाऊंगा। अच्छा? हाँ भाई वाह। लड्डू जलेबी तेरी खातरदारी भी होगी। तेरे बेटा जीनते रहे, जवान हो के तेरे खून पीनते रहे। अबे हम हिंदू हैं, हम काफिरों का खून पीते हैं, ठीक है? देख बेटा, सबके ने भी में हिंदू हो या मुसलमान हो भैया, छोरा ऐसे हो नेक जवान हो चाहिए। बोल बाबा कहा लावेगा टिचको लाऊंगो मोबाइल, चाहे सारे को घर बिक जाए छोरा। अरे देख ये रहे हो। हाँ ये रहे हो वीर गोखला जाट, या तो वीर गोखला जाट के राम राम कर। अच्छा राम राम भैया। राम राम भैया। अरे राम राम पहलवान। राम राम। मौजन में वैसे मौसन में बहुत जोर। मौजन में। हाँ मौजन में। हाँ पहले का सफेद। और सुना? बहुत बढ़िया हूँ। अब पता आज यहाँ काय बात की पंचायत जुड़ रही है? काय की जुड़ रही है? अच्छा पंचायत या बात की जुड़ रही है? हाँ पहले तो जमुना में घुस के सबसे पहले तू ही पे कसम उठवाऊंगो। कसम? हाँ। अच्छा काय की? हमारे सबरे हिंदू ने। हाँ। और ये मुसलमान अपने में मिलानो चाह रहे, मुसलमान बनानो चाह रहे हैं। और जो ये तेरी चुटिया ना दे ये डूबी कटेगी। अरे हाँ अब मो तेरी चुटिया को ज्यादा ख्याल है, मो तेरी चुटिया बचाते हैं। और कई बात की बात तो सही कह रहे हो भैया। वीर गोखला को हेलो, रोताई से आया हुआ कान्हा रावत प्रणाम करता है, नमन करता है।
प्रणाम भाई कान्हा रावत प्रणाम। कहिए बाबा रामदास से मिलवाइए जिन्होंने आज जमुना जी के किनारे पे पंचायत रखी है, मसला क्या है वो बताया जाए, अगर कहीं कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी जी तो सबसे पहले रावतों की तरफ से हमारा रघुवीर सिंह कुर्बानी देगा, तालियां बजाइए। सबसे पहले सब विश्वास है मुंह पे। आइए भाई रोताई के सरदार काना भाई, चलो रामदास बाबा के पास चलते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं कि आज पंचायत में क्या फैसला लेना है। आइए भगवान राम, ये रामदास बाबा तेरे है चरणों में प्रणाम। खुश रहो। कान्हा रावत को बुलवाया बतला दो क्या काम। सारे पूरे कर दूंगा। हाँ भाई। कर कोई दुष्ट सताएगा सर काट के चरणों में धर दूंगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। रोताई से आपकी जब चिट्ठी पढ़ी तो हाँ। जमुना जी पे चल के आया हूं। महाराज जी आदेश करिए, वीर गोखला जाट हमारे साथ में हैं, अनेकों सरदार यहां अनेकों पालों के पंच आए हैं, ये पंचायत किस लिए बुलवाई गई है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। कान्हा आज मैंने अपने मुख्य जितने भी यहां पर हमारे महारथी छत्री हैं, मैंने बहुत जरूरी काम लग गया था अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए आप सभी को यहाँ इकट्ठा किया है और ये पंचायत मैंने बुलवाई है, क्योंकि मुसलमान वो पापी मुसलमान हम हिंदुओं की चोटियों को काट काट कर मुसलमान बना रहे हैं। अरे रघुवीर सिंह रावतों की नाक कटवाएगा, खड़ा रहे। अरे यार कमाल है, मैं तेरी नाक पे ध्यान है मोए। तो महाराज ऐसे कैसे कट जाए, सभी पंच लोग रघुवीर सिंह अब सभी पंच लोग आ गए हैं, सभी आ गए भैया, या कोई सहरावत आ गए, सब आ गए आसपास के भैया जितने भी, चौहान आ गए, आ गए सौरत आ गए, सब आ गए हैं, एक भी एक है, चाहर आ गए, चाहर सब आ गए भैया, ऐसी पाल कोई नहीं है जो नहीं आए हो। बड़ गुजर आ गए। हाँ। अरे वह घरोट वाले रिश्तेदार हाँ, बड़ गुजर घरोट वाले भी आ गए हैं, उनकी मौत थोड़ी सी ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। हाँ भैया बहुत बात आई है वे। रघुवीर सिंह भैया रावतों का बड़ा सम्मान है दुनिया में। अरे वाह, आज सभी सरदारों ने रावतों के सरदार कान्हा को माला डाली है। बिल्कुल डालिए भाई, भाई अब पीछे नहीं हटेंगे। अरे पीछे कुर्बानी देनी पड़ी तो सबसे पहला नंबर रघुवीर का होगा। भाई वाह, हाँ वो ये बार बाबा को पहले। महाराज पंचायत में फैसला करिए और मसला क्या है वो बताइए, हम आपका साथ निभाने के लिए तैयार। मसला मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आज सभी पंचों को यमुना जी में घुसकर यमुना मैया की कसम उठानी है और सुन ले मेरी बात,
और मेरे सूरवीर योद्धा ओ और यमुना जी मैं धस जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना हाँ? और मेरे सूरवीर योद्धा अरे जमुना जी मैं धस जाओ और मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में ओ मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में फिर सूरवीर योद्धाओ हो जमुना जी मैं धस जाओ मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में यार पापी औरंगजेब ने कैसा पापी औरंगजेब ने कैसा अत्याचार मचाया है चोटी काट दई हिंदुओं की कलमा भी पढ़वाया है केशव देव का मंदिर तोड़ा नाम निशान मिटाया है केशव देव का मंदिर तोड़ा नाम निशान मिटाया है भाई राम कृष्ण की संतानों को राम कृष्ण की संतानों को राम कृष्ण की संतानों को अल्लाह अकबर कहना होगा बहन बेटियां बहन बेटियां बुरखा पहने फंदे में भी पहना होगा चोटी और जनेऊ पे भाई चोटी और जनेऊ पे अब जजिया कर भी रहना होगा चोटी और जनेऊ पे अब जजिया कर भी रहना होगा भाई रहना होगा चंगुल में फंस गई काम बड़ी मुश्किल में और होगा चंगुल में फंस गई काम मुश्किल में उठ रहे बाबू के दिल में जोश भरा गात में ओ मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में ओ मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में साथियों ए रघुवीर सिंह भैया इधर आ सामने कहो तू रघुवीर रावतों का बड़ा पंच है हाँ कहो क्या कहना चाहते हो हम तो तोते छोटे पंच है जैसे कहो बाबा रामदेव कहते रहो मरे हुए सबदन में पर न्यो कह रहो है अक सौगंध बाबा रामदास न्यो करे सौगंध उठानी होगी बोल तू सौगंध उठाएगा या मैं भैया जैसे तू कहे सबसे पहले तैयार हूँ मरने के लिए कुर्बानी देने के लिए आपके हुक्म के लिए तो फिर अगर तेरी सहमति है तो सबसे पहले इस पंचायत में फैसला सुनाता है कान्हा रावत और सौगंध भी उठाएगा कान्हा रावत बोलिए भाई सब तैयार हो पंच लोगों हाथ खड़े करके बता दीजिए एक बार देख लीजिए भाई कैमरा में तो सुनिएगा रावतों का क्या विचार है इस वक्त चरणों में प्रणाम है रोताई का खून गात में ये रोताई का खून गात में कान्हा मेरा नाम है कह के पीछे नहीं हटूं चाहे कुछ भी हो अंजाम है ओ कह के पीछे नहीं हटूं चाहे कुछ भी हो अंजाम है कह के पीछे नहीं हटूं चाहे कुछ भी हो अंजाम है और औरंगजेब किस सेना आगे औरंगजेब किस सेना
बिल्कुल नहीं डरेंगे हम जब तक तन में प्राण रहेंगे, जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक जंग लड़ेंगे हम। बेशक बच्चा बच्चा खिप जा हम मुस्लिम नहीं बनेंगे हम। बेशक बच्चा बच्चा खिप जा मुस्लिम नहीं बनेंगे हम। ओ बेशक बच्चा बच्चा खिप जा मुस्लिम नहीं बनेंगे हम। बहीन गाम मर्दाना मेरा बहीन गाम मर्दाना और देश धर्म दीवाना उनका बेटा काना खड़ा थारे सास में। ओ मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में। ओ मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में। रोताई के लाल रोताई ने यह स्पष्ट कर दिया है। मैं रावतों की तरफ से बोल रहा हूं, क्यों भाई रघुवीर सिंह भैया कहो, और रावत यह ऐलान करते हैं कि चाहे हमारे जल बच्चे को फांसी पर चढ़ा दे औरंगजेब, लेकिन एक भी रावत ना तो जजिया कर देगा और ना मुसलमान बनेगा चाहे औरंगजेब कुछ भी कर ले। ये ऐलान कर दिया ये है, हमारा प्रण है। उठाऊं कसम, जब बाबा रामदेव ने बाबा रामदास जी ने कसम उठा ली है और रोताई के लाल भाई कान्हा ने कसम उठा ली है और पूरी रोताई कान्हा के साथ खड़ी है, तो यह वीर गोखला जाट भी आज जमुना में घुसकर कसम उठाता है कि भाई कान्हा मैं आपका कंधे से कंधे मिलाकर साथ दूंगा और उस पापी औरंगजेब से आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और उससे लड़ाई करूंगा और मुस्लिम नहीं बनेंगे। आज इस भरी पंचायत में मैं भी कसम उठाता हूं। और भाई सुन ले गोखला जी और मेरे सरदार कान्हा जी, ये नांगर मेरी झोपड़ी। अच्छा, ये नांगर मेरी झोपड़ी और यहां धूप मेरा गांव। वाह। और बीच गंगा में कसम उठाऊं रघुवीर रावत नाम। वाह। तो वीर गोखला जाट अब बताओ आपका क्या कहना है पंचायत में। मेरी बात सुनिए भाई कान्हा, मैं आज भरी पंचायत में ये कह रहा हूँ, और आग रात चल के आया, आग रात चल के आया कहते वीर गोखला जाट छतरापन का खून गात में योद्धाओं के न्यारे ठाट, जिसने भी मंदिर तोड़ा है उसको कर दूं लेपट पाट, जिसने भी मंदिर तोड़ा है उसको कर दूं लेपट पाट। और 20,000 जान लेकर, 20,000 जान लेकर मैं तिलपत को जाऊंगा, पापी औरंगजेब तेरा अब नाम निशान मिटाऊंगा, परण मेरा दिल्ली को फतेह करके ही घर आऊंगा, परण मेरा दिल्ली को फतेह करके ही खड़ा आऊंगा। नहीं मन में कोई शंका वो दिल्ली में बचेगा डंका, औरंगजेब की लंका फूके दिन रात में। ओ मिल गए सौगंध उठाओ सब पंचायत में। ओ मिल गए सौगंध उठाओ सब पंचायत में। बाबा रामदास। हाँ काना,
बोलिए अब सभी लोगों ने यह कह दिया है कि हम डट के मुकाबला करेंगे। और आताताई कहते हैं ना साथियों कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, हाँ, क्योंकि औरंगजेब के हाथ में रघुवीर सिंह सत्ता है, तो आज यह पंचायत में ऐलान किया जा रहा है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारे से। इसलिए अगर आप इजाजत दें और आप सभी लोग इजाजत दें तो मैं रौताई का लाल कान्हा सबसे पहले पंचायत में फैसला सुनाना चाहता हूं। बताइए, जोरदार ताली बजाओ सभी, पहले एक बार जोरदार ताली बजाओ। सुनिए, रघुवीर सिंह अब पंचायत का फैसला होने जा रहा है। कहिए भैया, तेरी धन धन जननी माई है, अपने को इकला मत समझे, अपने को इकला मत समझे, ये कान्हा तेरा सिपाही है, वक्त पड़े पे अजमा लेना प्यार खड़ी रोताई है, वक्त पड़े पे अजमा लेना प्यार खड़ी रोताई है। और पंचायत में हुआ फैसला, पंचायत में हुआ फैसला, पंचायत में हुआ फैसला, छोटी नहीं कटवानी है, कोई जजिया कर नहीं देगा, कोई जजिया कर नहीं देगा, प्रतिज्ञा मन में ठानी है, हो जाए अरे हो जाए कुर्बान धर्म पे, हो जाए कुर्बान धर्म पे, पर हिंदू कौम बचानी है, ए हो जाए कुर्बान धर्म पे, हिंदू कौम बचानी है, हम हो जाएंगे कुर्बान धर्म पे, हिंदू कौम बचानी है। नरदेव सिंह कथ गाओ, नरदेव सिंह कथ गाओ, अरे बारूद में आग लगाओ, नरदेव सिंह कथ गाओ, अरे बारूद में आग लगाओ, जाके फरमान सुनाओ सातों जात में, ओ मिलके सौगंध उठाओ पंचायत में, नर सूर वीर योद्धाओ, नर सूर वीर योद्धाओ, अरे चमना जी में धस जाओ, मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में, हो मिल के सौगंध उठाओ सब पंचायत में। वीर गोखला जाट, कहिए भाई कान्हा, आप वाकई बहादुर हैं, आपका मैं छोटा भाई हूं, आपका सिपाही हूं, और अपनी रोताई और अपने इलाके की तरफ से आपसे वायदा करता हूं, आप अगर औरंगजेब को मारना चाहते हैं तो जब जिस वक्त भी रोताई की और कान्हा की जरूरत पड़ेगी, मैं मेरी पाल और मेरा इलाका कभी पीछे नहीं हटेगा, तेरे कंधे से कंधा मिला करके चलेगा, ये कान्हा रावत आपसे वायदा कर रहा है। भाई कान्हा, ये आपका भाई वीर गोखला जाट भी आपसे वादा करता है कि मैं 18,000 सैनिक अपनी फौज सजाकर तिलपत को जाऊंगा और पापी औरंगजेब को और दिल्ली को फतह करके ही वापस आऊंगा। वाह वाह, और हमारे रघुवीर सिंह को भी ले जाना साथ में। हाँ भैया, ये बहुत मर्दाना आदमी है, क्या करे, कई लड़ाई इसने लड़ी है, दांत उसमें चले गए, एक लड़ाई और अंतिम लड़ना चाहता है। लड़ेगा लड़ाई? अरे जब सरदार कह रहे थे तुम पीछे से कट रहे हो ना, सरदार में तो बहुत दम है, तू भी लड़ाई लड़ेगो? अरे सरदार ने हमारे दम के ऊपर ही तो कही है खुला। ऐसे ऐसे मुसलमान मिलेंगे कोई दाढ़ी से चिपका के ले जाएगा? मुसलमान तो मैंने बहुत दिन पहले ही मार लिए। अच्छा, एक बार ताली बजा दो।
ये होती है पंचायत, ये होती है रावतों की वीरता। तो अब ये पंचायत में सभी लोग राजी हैं? हाँ। जी सब राजी हैं। तो फिर जश्न होना चाहिए। और अब ये प्रतिज्ञा कर लीजिए जमुना जी में जल लेकर के हाथ में, हाँ, कि अब चाहे कुछ भी हो अपने प्रण पे अडिग रहेंगे, परिणाम की कोई चिंता नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल हम प्रतिज्ञा करते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगी राज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।